Structural levels of proteins, the quaternary structure. First, the contents, quaternary structures, bonding involved in quaternary structures, examples of proteins having quaternary structures, then the fibrous proteins and the globular proteins. So, first, the quaternary structures. Quaternary structure is the final structure of protein folding. प्रोटीन फोल्ड होना शुरू करते हैं तो जो लास्ट पे फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर जो फोल्डिंग पैटर्न है वो दैट इज़ द क्वार्टनी स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटीन जब सेंथिसाइज हो रही है तो दैट इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर पोली चेन फिर उसके बाद उसकी फोल्डिंग हो रही है लोकल फोल्डिंग हो रही है दैट इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर अगर एक पोली चेन है जब वो आपस में फोल्ड अप होगी तो उससे जो है वो एक टर्स स्ट्रक्चर बनेगा तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बेसिकली वैन देर आर मोर देन वन पोली चेन दो हो सकती हैं या दो से ज़्यादा पोलीपैप्टाइड चेन जब इकट्ठी फोल्ड होती हैं दैट दे फॉर्म अ क्वाटनरी स्ट्रक्चर तो बाई डेफिनेशन हम कहेंगे क्वाट्रनी स्ट्रक्चर इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज फार्म बाई फोल्डिंग ऑफ टू आर मोर देन टू पोली चेन्स इसका मतलब यह है कि वो प्रोटीन जिनके अंदर एक पोली चेन होती है वो वाली प्रोटीन कभी भी क्वाटनरी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगी जबकि एक से ज्यादा पोलीपेप्ट चेन रखने वाली हमेशा क्वार्टन स्ट्रक्चर जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा उसका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ही होगा एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है आप देख रहे हैं इसको जो डायग्राम सामने है इसमें फोर डिफरेंट पोलिपेप्टाइट चेन्स हैं तो हीमोग्लोबिन के अंदर फोर डिफरेंट पोलिपेप्टाइट चेन्स हैं जो फिर फोल्ड होकर एक कंपेक्ट मालिक्यूल बनाती है हीमोग्लोबिन का तो हीमोग्लोबिन फिर इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या कहेंगे इट इज अ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ हिमोग्लोबिन बॉन्डिंग्स टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स आर इन्वॉल्व इन फार्मेशन ऑफ क्वाटररी स्ट्रक्चर ज्यादातर बॉन्ड्स वही हैं जो टर्सर के अंदर इन्वॉल्व हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं आइनिक बॉन्ड्स हैं वनडरवाल इंटर वी वंडरवाल इंट्रेक्शन वीक फोर्सेज हैं जो मालिक्यूल्स के अंदर जो है हो डिवेल्प होती हैं के दरमियान में इसे समटाइम्स सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑल्सो देयर इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन्स विद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि क्वाटनरी स्ट्रक्चर उन्हीं प्रोटीन का होगा जिनके पास मोर दैन टू यानी दो या दो से ज्यादा पोलिपेप्ट च मौजूद होंगे दे विल फार्म कॉटनरी स्ट्रक्चर तो यह हमारे पास जैसे हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन के पास जहाँ वो 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 दो से ज्यादा यानी एक से ज़्यादा पोलिपेप्टेन फोर पोली पैप्ट्राइड चेन्स मौजूद हैं जिसरा पेप्सिन है इट इज़ आल्सो हैविंग मोर दैन वन पोली पैप्ट्राइड चेन करैटन है करेटन बेसिकली जो हमारे जो नेल और हेयर जिस प्रोटीन से बनते हैं वो करेटन है तो ये तमाम एग्जाम्पल चाहिए कॉटन स्ट्रक्चर रखने वाली प्रोटीनस की हैं अच्छा डायग्राम में आप ये चारों जो स्ट्रक्चर लेवल है उनका एक साम आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जब प्रोटीन से बनती है तो उसके माइनोस उस बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में होते हैं और इस लीनियर चेन को हम क्या नाम देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स या बेसिकली जो पोलिपेप्टाइड चेन है उसके सेकेंड स्टेप के ऊपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब आता है तो ये पोलीपेप्ट चेन अपने आप फोल्ड करती है इसको हम क्या कहेंगे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का फिर उसके बाद थर्ड लेवल के ऊपर ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन जिसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड अप होगा वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा और फिर दो या दो से ज़्यादा चेन जब इकट्ठी फोल्ड होंगी तो दे विल फॉर्म अ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर एंड दिस इज द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो क्वार्टनी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन्स का एक फ़ाइनल स्ट्रक्चर है उन प्रोटीन्स का जिनके अंदर मोर दैन टू चेन्स हैं जिनके अंदर एक चेन का उनके लिए ट्रशरी स्ट्रक्चर ही फाइनल स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स अगर हम टर्शियरी या क्वार्टनी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर प्रोटीन को क्लासीफाई करना चाहें तो प्रोटीन का नंबर चूँकि ह्यूज नंबर ऑफ प्रोटीन्स मौजूद हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो आप उन थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स को टर्शियरी या क्वार्टनी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस के ऊपर जो है उसको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर प्रोटीन की अपनी शेप है हर प्रोटीन का अपना फोल्डिंग पैटर्न है उसकी अपनी एक अरेंजमेंट होती है तो इस तरह से आप टर्सरी या क्वाट्री स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर उसकी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते मुश्किल है यानी कि तो फिर साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए प्रोटीन्स को दो ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है उन्होंने एक हमारे पास द फर्स्ट कैटेगरी इज़ द फाइबरस प्रोटीन्स एंड द सेकेंड वन आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स फाइब्रस प्रोटीन्स वो हैं जिनके अंदर जो फोल्डिंग पैटर्न है वो एक फ़ाइब्रस अरेंजमेंट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है जो प्रोटीन बनाती हैं अब फाइब्रस प्रोटीन्स जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती बनाती हैं दे आर दे आर हैविंग स्ट्रक्चरल रोल यानी जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादातर फाइब्रस प्रोटीन से बनते हैं जैसे हमारे पास अगर हम देखें क्रेटिन हमारे हेयर के अंदर क्रेटिन मौजूद है इससे कोलेजन है बोन्स के अंदर कोलेजन मौजूद है इससे सिल्क है सिल्क के अंदर सिल्क फाइब्रोइ मौजूद होती है तो ये सारी सारी जो है वो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं फाइबरस प्रोटीन चूँकि स्ट्रक्चर्स बनाती हैं तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक ये है कि दे आर वाटर इन्सॉलुबल क्योंकि अगर जो चीज़ स्ट्रक्चर बना रही है अगर वाटर सोलबल होगी तो इसका मतलब वाटर के आते ही वो स्ट्रक्चर डिजॉल्व हो जाएगा इसलिए आप ये मोस्ट प्रॉपर्टी देखेंगे वो चीज़ें जो स्ट्रक्चरल पैटर्न रखती हैं यानी वो चीज़ें जो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना रही होती हैं वो हमेशा वाटर इन्सॉलबल होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रोटीन की वो कैटेगरी है जो इनकी ओवरऑल अपीयरेंस जो है वो थ्रेड लाइक नहीं है बल्कि वो एक ग्लोबुलर फॉर्म है यानी कि एक राउंडेड फॉर्म में मौजूद है सेल के अंदर जो प्रोटीन फंक्शनल रोल रखती हैं वो ज़्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने वाली फाइब्रस प्रोटीन्स हैं यानी कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाती हैं जबकि जो फंक्शन परफॉर्म करती है जैसे हीमोग्लोबिन का फंक्शन ऑक्सीजन को कैरी करना मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रही है एंजाइम्स डिफरेंट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं तो ये तमाम जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं दे आर मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो वाटर सेलोबल हैं इन्हें वाटर के साथ इंट्रैक्ट कर सकती हैं और दूसरी अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो जितने भी एंजाइम्स हैं ऑल ऑफ द एंजाइम्स दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स हेम्योगलोबिन माओग्लोबेंस और इस बहुत सारी प्रोटीस जो है दे आर ग्लोबुलर इन नेचर